एक से मुझे खांसी आ रही है, एक सेकंड में। हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। हाँ नाउ आई एम टेलिंग यू दैट व्हाट इज आयनिक बॉन्ड। ओके तो आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन टू एटम्स। वी टेक द एग्जांपल लाइक यू इन अ क्लास यू हैव अ टू गर्ल। आई एम ऑडिबल ना? यस मैम, ओके दिस इज नो ऑप्शन इन दिस स्टेट। सॉरी, वेट 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 तो लिखने का ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं वही चेक कर रही हूँ। ठीक है, बस नॉर्मली मैं चेक कर रही हूँ तो समझा रही हूँ। ठीक है, क्या होता है कि आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, मान लो तुम्हारे क्लास में दो लड़की है। ठीक है, एक जो है उसके पास इरेजर। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, दो लड़की के पास, एक लड़की उसके पास दो पेंसिल है, एक लड़की के पास कुछ भी नहीं है, तो वो उसको अपना पेंसिल दे देगी, है ना, ट्रांसफर ऑफ पेंसिल। तो आयनिक बॉन्ड में जनरली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयनिक बॉन्ड। ओके एंड मान लो अगर मैं बात करूँ, देखो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है, कटायन और अनायन बनता है, जैसे फॉर्मेशन ऑफ कटायन एंड अनायन। यू नो हाउ कटायन इज फॉर्म्ड, मैम आई एम सॉरी, आई टेल एम नॉट मी। गेटिंग। मैं ये बता रही हूँ कि हैव यू हर्ड अबाउट कटायन और अनायन? मैम नो मैम, नो, आई विल टेल यू। यू सेड मी ना कि देर इज अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनायंस एंड अट्रैक्शन। कैटायंस। अनायंस एंड कैटायंस, राइट राइट ओके मैम, सॉरी अगेन। राइट ओके आर टेलिंग सेम राइट थिंग। आई एम आस्किंग अबाउट कैटायन एंड अनायन। व्हाट डू यू मीन बाय कैटायन? हम कहते हैं आंसर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। नो नो, कैटायन आर पॉजिटिवली चार्ज एटम्स एंड इट इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म कैटायन। कैटायन इज पॉजिटिवली चार्ज, इट फॉर्म्ड व्हेन देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन इट फॉर्म कैटायन, राइट। व्हाट इज अनायन? आनायन इज पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज हाँ, एंड इट फॉर्म व्हेन, व्हेन देयर इज अ लॉज ऑफ कैटायंस। हाँ, व्हेन द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हेन देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म अनायन। गॉट इट? यस मैम। देयर इज एनी प्रॉब्लम? तो नो मैम। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट इफ देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन देन इट इज इट फॉर्म अनायन, अनायन इज नेगेटिव चार्ज, एंड इफ देयर इज अ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म कटायन, एंड कटायन इज अ नेगेटिव चार्ज। लाइक यू गॉट इट? यस मैम। ओके, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, राइट। तो इन कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन कोवेलेंट बॉन्ड देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गॉट इट। फॉर एग्जांपल तुम्हारे क्लास में दो लड़की है, ठीक है, ये तुम हो, तुम्हारी फ्रेंड है, तुम्हारे फ्रेंड के पास इरेजर है, तुम्हारे पास शार्पनर है, तुमको इरेजर चाहिए, उसको शार्पनर चाहिए, तो तुम आपस में क्या करोगे, शेयर करोगे ना, यस मैम। राइट। दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट इज फॉर्म व्हेन देयर इज अ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Got यस मैम। it? Now we are talking about आयनिक बॉन्ड।
इन आयनिक बॉन्ड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस टू एटम इन अ बॉन्ड देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ एटम. वन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन, अनदर एटम गेन इलेक्ट्रॉन. द एटम व्हिच लूजेस इलेक्ट्रॉन इट कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड द एटम व्हिच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड अनायन. Got it? Yes, ma'am. Now, have you heard about the ionization enthalpy? No, ma'am. No. Have you read the chapter periodic table? Yes, ma'am. What happened? In periodic table, in ionization enthalpy, we will tell that, I'm just checking a previous knowledge. Don't be nervous. Okay? I'm explaining it. In ionization enthalpy, there is a law. As you know, when there is a loss of electron, it forms cation. When there is a loss of electron, it forms cation, right? The amount of energy required to remove an electron from an atom is called ionization enthalpy. हमें जितनी energy की जरूरत होगी एक electron को atom से निकालने के लिए उसी को हम कहते हैं ionization enthalpy. आया समझ में? मैम हाँ बोलो बोलो, क्या हो गया, कोई प्रॉब्लम है? मैम इफ यू डोंट माइंड कैन आई रीजॉइन? ओके ओके, नो प्रॉब्लम, यू कैन रीजॉइन इट. या बिकॉज़ आई एम हैविंग सम इश्यू विद द वॉइस. Okay, okay, no problem. You can rejoin it. I'm audible or not? Yes, ma'am, you're audible. Now my voice is clear, right? Yes, ma'am. Okay. Just wait and then please allow me to share my screen. Wait a minute, okay? Have you any doubt about cation or anion? Mom, actually, I'm not able to converse with you properly. Why? There's a network issue or something else? Mom, I guess linguistic issue. What? Mom, I'm sorry to say, I'm not able to understand what you say. Okay, okay. आप हिंदी में बोलो, वो तो समझ में आ रहा है मैं जो भी बोल रही हूँ. Yes, ma'am, you can. ठीक है, तो आप मुझे कह रही थी रेडॉक्स चैप्टर पढ़ाने के लिए, राइट? जी मैम जी. तो रेडॉक्स, चलो रेडॉक्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है? प्रीवियस नॉलेज को छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं बस मैं 20 से टेस्ट ले रही थी, ठीक है? तो मैं समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, हम रेडॉक्स स्टार्ट करते हैं. अब स्कूल में रेडॉक्स चल रहा है, तो रेडॉक्स में पहले दो टर्म होते हैं, एक ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन, राइट? यस मैम. तो हम जो है ना पहले, हाँ, तो हम रेडॉक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ओके. तो हम पढ़ेंगे पहले कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन. मैम शुड आई सी द आंसर? हाँ यस, आई कैन आंसर. व्हाट इज, व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज बेसिकली द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिडक्शन इज रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन. Reduction, can you please tell me again what is reduction? Ma'am, reduction is the reduction of oxygen and addition of hydrogen. Right, iske alawa kuch aur definition jo aap keh sakte ho, socho. Ma'am, oxidation will be loss of electrons and reduction is gain of electrons by any species.
राइट, यू आर करेक्ट. तो वी कैन से दैट ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन और आई एम सॉरी, ऑक्सीडेशन इज गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड लॉस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. यू कैन आंसर मी इन टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन, थिंक अबाउट इट. मैम हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन विल बी गेन ऑफ हाइड्रोजन. नो इट्स रॉन्ग. सॉरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड रिडक्शन वुड बी गेन ऑफ हाइड्रोजन. वी गॉट थ्री स्टेटमेंट राइट. फर्स्ट दैट इन ऑक्सीडेशन देयर इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इन रिडक्शन देयर इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. इन ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इन रिडक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन राइट. And we talk about oxygen, there's a loss of electron, a reduction mein gain of electron. Ab to samajh mein aa raha hai na points? Ji ma'am, ji ji. Actually, main 20 se tumhe test le rahi thi, tum confuse ho gayi thi. But ab tumne redox bola, main redox kara rahi hu, to samajh aa raha hai na redox? Ji ma'am, bilkul. Okay. To pehle humne samjha ki oxidation aur reduction mein kya difference hai, right? Oxidation ka clear ho gaya. Ab dekho ek redox reaction. Hum chapter hi padhte hain, uska naam kya hai? Redox, right? तो रिडॉक्स तो मतलब क्या होता है? रिडॉक्स से आप क्या समझते हो? मैम रिडॉक्स मींस रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. रिडॉक्स में क्या होता है कि आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में होता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन. रिडॉक्स आपको ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, उसे हम रिडॉक्स कहते हैं. ठीक है, ओके. नाउ ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं मैम. ठीक है, तो पहले हमने सीखा कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन में क्या डिफरेंस है और रिडॉक्स क्या होता है. रिडॉक्स क्या होता है आपका? रिडॉक्स जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो, वी विल कॉल इट रिडॉक्स. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में, है ना. वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर, राइट? यस मैम. ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं Na प्लस, Na प्लस सोडियम पे प्लस चार्ज, तो तुम क्या समझती हो? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? मैम देयर इज अ रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. व्हाई रिडक्शन? तुम्हें पता है जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, लॉस होता है, तो कैसा चार्ज आता है? प्लस आता है. प्लस चार्ज आता है. मैंने Na प्लस बोला, वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? लूज हो रहा है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना. यस मैम. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन. आया समझ मेरी बात? तो जो Na प्लस से जो प्लस चार, दैट इज योर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन. ओके, अगर मैं बोलूं Mg2+, यू नो व्हाट इज द सिंबल ऑफ Mg? Mg किसके लिए स्टैंड होता है? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के लिए. तो व्हाट डू यू मीन बाय Mg2+? दिस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? ऑक्सीडेशन. हाउ डू यू नो दैट देयर इज ऑक्सीडेशन? Because there is a plus two charges. Okay, that plus two charges, its oxidation number, right? Mm-hmm. What do you understand with plus two charges? Matlab there is a loss of two electron. Yes, ma'am, loss of two electrons. Okay, now we talk about the Cl minus. Cl stands for chlorine, and Cl minus. What do you understand about Cl minus? Ma'am, there is a gain of electron. Okay, and how many gain of electron? One gain of electron. Okay, so is this oxidation or reduction? Ma'am, it's reduction. Reduction, good. And when we talk about the O2 minus? Ma'am, O2 minus is a O2 minus, right? Yes, O2 minus. One minus. I mean O2 minus, I'm sorry, O2 minus. The charge is 2 minus on oxygen. On oxygen, 2 minus charge. So 2 yes. is the reduction number and it is reduction. 2 is not a reduction number, that is oxidation number. Whether it is oxidation or reduction, we call it oxidation number. So 2 okay. minus is, matlab 2 is minus 2 is not, we write 2 minus, we write it minus 2. So minus 2 is an oxidation number. And what do you mean by minus 2? Minus 2 is reduction. Yes, because it is a gain of electron, right? And how many electrons are gained? 2 electrons? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. Okay. कोई problem यहाँ तक? No, ma'am.
तो जो मैंने बताया कि Na प्लस है, Mg2+ है, जो +1 है, +2 है या फिर -2 है, वो और वो सारे के ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर हमें बताते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, क्लियर है। तो अब हम जब हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिडॉक्स पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, तभी तो हम पढ़ पाएंगे। तो तुम्हें जी पता है जी ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे निकालते हैं? मैम, बाय द चार्जेस, यू नो हाउ टू, हाँ प्लीज पार्डन, बाय द नंबर ऑफ चार्जेस, लॉस प्लस माइनस चार्जेस। हाँ जैसे कंपाउंड में अगर मैं, हाँ यू आर राइट, चलो हम कुछ पहले सीखते हैं, ठीक है। तो देखो जितने भी जो एलिमेंटल फॉर्म में होंगे, अगर मैं बात करूँ O2, Cl2, ठीक है, जो एलिमेंट फॉर्म में होंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में, ऑक्सीजन कैसे एग्जिस्ट करता है? O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? Cl2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। यस मैम, हाइड्रोजन कैसे एग्जिस्ट करता है? H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो जितने भी एलिमेंट्स जो अपने एलिमेंटल फॉर्म में स्टैंडर्ड स्टेट में होंगे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0, जीरो ठीक है। मैम, 1 सेकेंड मैम, कुड यू प्लीज रिपीट द स्टेटमेंट। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग दैट ऑक्सीडेशन नंबर ऑल द एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंटल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन देयर एलिमेंटल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म इज टेकन एज 0, इज टेकन एज 0। मतलब कि जैसे F2, Cl2, O2, ये सारे स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसके जो ऑक्सीडेशन नंबर होंगे वो क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आपका ग्रुप 1 एलिमेंट बता सकते हैं? पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन से हैं? हाइड्रोजन, और ग्रुप 1 एलिमेंट्स कौन से होंगे आपके, याद है आपको या फिर नहीं याद है? मैम 1 सेकेंड, ग्रुप 1 एलिमेंट्स वुड बी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, लिथियम, तुमने सिर्फ ट्रिक रोमियम, से याद नहीं किया है? नहीं, ट्रिक से याद नहीं किया है, ट्रिक से नहीं नहीं याद किया है। नहीं उसका ट्रिक होता है हलीना की रब से फरियाद। H हलीना में HLINA, H फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, Li फॉर लिथियम, Na फॉर सोडियम, ठीक है। की का वन K पोटेशियम, और रब का RB रबिडियम, ठीक है। और सीजियम का इसको से बोलते हैं, मैं से लिखवा दूंगी, बट अभी मेरा पता नहीं स्क्रीन में वो एनोशन का फॉर्म नहीं आ रहा, ठीक है, मैं उसको बाद में लिखवा दूंगी। तो ग्रुप 1 हलीना, हलीना लिखो H, यस मैम, हाँ उसके बाद लिखो हलीना, हलीना की रब से फरियाद, H लिखना, फिर नेक्स्ट लाइन में Li लिखना, या आप एक स्टेटमेंट लिख लो हलीना की रब से फरियाद, यस मैम, लिख लिया। से को CS से लिखना, और फरियाद को FR लिखना, ठीक है। तो जो आपका H हो गया वो हाइड्रोजन हो गया, और लीना Li लिथियम हो गया, Na आपका सोडियम हो गया, हलीना हो गया, के यस का मैम, जो के का मतलब के जो है का हलीना का जो के है डेट इज पोटेशियम, और रब से फरियाद जो है RB डेट इज रुबिडियम, और से CS मतलब सीजियम, फरियाद का फ्रैंकेनियम होगा, इतना याद नहीं करना है, ठीक है। तो जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। तो याद नहीं कर, फ्रांसियम याद नहीं कर ट्रांसेनियम, पा हाँ उतना मतलब इतना नहीं, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, पर रख लो यार। तो मैं ये बता, जितने भी ग्रुप 1 एलिमेंट्स है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? 1 होता है। तो रही। ओके लिखो द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इज 1, कॉमन कॉमन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इज 1। कॉमन ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इज 1, मतलब कॉमन +1। ऑक्सीडेशन स्टेट इज 1 इन ग्रुप 1। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 इज +1। ओके, यस मैम, अब यस आगे बढ़े। जी मैम, जी नाउ वी टॉक अबाउट द ग्रुप 2,
तुम्हें ग्रुप टू के एलिमेंट्स का नाम याद है? जी मैम आई ट्राई. हाँ बताओ. बेरिलियम, हाँ मैग्नीशियम, देन ऑर्डर याद नहीं है. और मैं तुम्हें ट्रिक बता दूं. बेटा मांगे अब एक मिनट. बेटा मांगे, हाँ बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी. बेटा मांगे कार स्कूटर कार स्कूटर, बाप बाप राजी. राजी. मैं स्क्रीन आई डोंट नो कि मैं चार्ट में लिख रही हूँ, ठीक है? तो बेटा का बी मैं, हाँ बेटा मैं BET बेटा लिखी ना, बेटा का जो BE होगा बेरिलियम. बेरिलियम होगा, राइट? यस मैम. ओके. बेटा मांगे, मैंने मांगे बोला ना. मांगे MG हाँ, मांगे का जो MG होगा वो क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीशियम. हाँ मांगे का मैग्नीशियम है. बेटा मांगे कार, कार को CAR लिखते हैं ना, तो कार का CA क्या कहला जाएगा तुम्हारा? कैल्शियम. कैल्शियम. वेरी गुड. बेटा मांगे कार स्कूटर, स्कूटर को SR करके लिखना है शॉर्ट फॉर्म में जैसे तुम्हें आए, तो SR क्या हो स्टॉन्शियम. जाएगा? अस्टॉन्शियम. वेरी गुड. ये ट्रिक तुम्हें पहले पता था, अब नहीं मैम. तो इजी है ना याद करना. जी मैम बिल्कुल. मैं तुम्हें एटॉमिक नंबर भी याद करने से सिखा दूंगा, तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है. तो स्कूटर का जो SR है उसको स्ट्रॉन्टेनियम लिख लेना, ठीक है? तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी. BAP बाप लिखते हैं ना, जी मैम. तो BA क्या हो गया तुम्हारा? बेरियम. वेरी गुड. बेरियम हो गया, राइट? यस मैम. ओके. मैं लिख रही हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है. ओके बेरियम लिख दिया. बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी. है ना, राजी का रैंडियम होता, क्या होता है? रैंडियम होता है ना. हाँ जी मैम. ठीक है, रुबीडियम होता आई थिंक. नहीं मैम रेडियम. हाँ सॉरी, हाँ ये था. कोई दिक्कत है? जी नहीं मैम बिल्कुल. ठीक है. तो कहने का मतलब है कि ग्रुप वन एलिमेंट जो थे, हलीना की रब से फरियाद, ठीक है, उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +1 होगा, ठीक है? और तुम्हें पता है जितने भी मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, और जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हलीना की रब से, सॉरी बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +2 होता है. क्या होता है? हाँ, तो उसी में लिख लो, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, ऑक्सीडेशन, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इज +2. कॉमन ऑक्सीडेशन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 2 इज +2. ओके, यस मैम. डन. कोई दिक्कत है? और मैं जी तुम्हें मैम. एक तो पीरियोडिक टेबल निकाल के भी तुम्हें रिवाइज का मतलब ट्रिक बता देती हूँ. आज चैप्टर जो करेंगे, एक्चुअली मैंने इस चैप्टर के लिए मतलब किया था प्रिपेयर, बट मुझे लगा स्टेट्स ऑफ मैटर होता है ना, इंसान का मूड बना हुआ, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ाना है. तो अब जनरली तुम्हें मैंने ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो समझ में आ गया, रिडॉक्स समझ में आ गया ना. पहले हम सीखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, फिर हम देखेंगे कि विच इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, विच इज रिड्यूसिंग एजेंट, हाउ कैन वी बैलेंस अ रिडॉक्स रिएक्शन. यस ओके जी मैम. जी ओके. आपको समझ में आ रहा है ना मैं पढ़ा रही हूँ, तो कोई इश्यू तो नहीं लग रहा है? नहीं मैम. नो इश्यू. ओके. स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा क्योंकि मैं अपना टॉपिक के कहीं से क्वेश्चंस वो कर रही थी ना. एक मिनट, विल टेल यू द ट्रिक. ओके जी मैम. मैं आपको अभी स्क्रीन पे पीरियड टेबल दिखा रही हूँ. मैम आपने स्क्रीन शेयर किया है? हाँ अभी मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है? ओके शेयर हो रहा है ना. जी मैम. मैं इसको ओपन कर रही हूँ, ठीक है? जी अब मैम. देखना यहाँ पे मैंने ग्रुप वन बताया, हलीना की रब से फरियाद, कोई दिक्कत नहीं है. बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, राइट? जी मैम. आज पता नहीं एनुएशन का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है. आता है एनुएशन का ऑप्शन, मतलब वो कर देते हैं. हाँ अब देखना, मैं तुम्हें ना ग्रुप 15 के आते हैं ना, उसको सिखा रही हूँ. बाल गंगाधर तिलक दिख रहा है? ग्रुप 5 बाल गंगाधर तिलक दिख रहा है?
जी मैम जी, बाल का बी क्या होगा? बरोन होगा, एल अल्युमिनियम होगा, और जी ए गंगाधर का जी ए गैलियम, आयन इंडियम, और तिलक का टीएल थैलियम। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखना ग्रुप 16। मैम 1 सेकेंड. ग्रुप 16 दिख रहा है, 6 लिखा बट इट इज ग्रुप 16। ठीक है, तो कौन कौन सी गर्ल सबसे प्यारी? कौन को के से लिखते हैं ना, बट हम यहाँ सी से लिख रहे हैं, सी एन कौन, तो सी फॉर कार्बन, सी एस आई सी सिलिकॉन, गर्ल को यहाँ पे जी से लिख रहे हैं जर्मेनियम, सबसे को एस लिख दे रहे हैं, एस से सबसे मतलब 10, और प्यारी का पीवेलेट। कोई दिक्कत है? मैम हाँ बोलो, कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। इसमें कौन सी गर्ल सबसे प्यारी? कौन सी गर्ल, सबसे का एस ले लेना 10 के लिए, और प्यारी का पी लेट लेट के लिए। कोई दिक्कत नो है? ओके, अब थर्ड 17 ग्रुप लिखो। यहाँ पर 7 लिखा बट इट इज 17 ग्रुप। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिके। नाना पाटेकर, नाना पाटेकर को तुम जानती हो, एन फॉर नाइट्रोजन, पाटेकर का पी फॉस्फोरस, ऐश्वर्या का एस आर्सेनिक, सब मतलब एंटीमनी। ओके, अब बिके मतलब बिकाओ, तो बिस्मत। आया नाना पाटेकर। समझ में? यस मैम। नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिके। मैं फिर से ग्रुप 15 बोल रही हूँ। बाल गंगाधर तिलक 16, कौन सी गर्ल सबसे प्यारी, और 17 नाना पाटकर ऐश्वर्या शब्द के। ग्रुप यस मैम। 18, उससे टेपो, कहते हैं ना छापना को टेपो बोलते हैं ना, कभी कभी तुमने सुना होगा, इट्स ऑकवर्ड वर्ड, बट क्या करे, उससे टेपो मतलब छापो, टेपना मतलब करना रिकॉर्ड ना, तो उससे टेपो, तो उस ओ एस उस मतलब ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर, से उससे सिलिनियम, टेपो का टी ई, पीओ प्लोनियम। समझ में आ रहा है? उससे टेपो वर्ड समझ में आ रहा है या फिर फर्स्ट टाइम है तुम्हारे लिए? फर्स्ट टाइम है। टेपो मतलब छापना, चीट करना, है ना, बस ये यस समझ लो टेपो। देखो। मुझे नहीं लगता फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमीन आयोडीन के लिए कोई ट्रिक की जरूरत है। नो मैम। तो अब देखो ग्रुप 18 का मैं बता रही हूँ ट्रिक। हेना ने करण अर्जुन करण जेरॉक्स किया। हेना ने एच ई हेना, हेलियम एनी से नियॉन, ए से अर्जुन, के आर से करण, एक्स सी से जेरोक्स। जेरोक्स। ये हाँ ठीक है। हेना ने करण अर्जुन का जेरोक्स किया। आ गया समझ में? देखो एक ये चीजें एक बार याद नहीं होंगी बट कीप ऑन प्रैक्टिसिंग। चलो तुम मुझे एक बार ग्रुप 1 का ट्रिक जल्दी से बता दो। ग्रुप वन का आई एम ऑडिबल? यस मैम, योर हाँ, वॉइस ग्रुप 1 का इज ट्रिक बताना। मैं स्क्रीन पे ये कह रही हूँ कि ग्रुप 1 का आप ट्रिक बताओ। मैम हलीना की रब से फरियाद। ओके वेरी गुड। और हलीना डिफाइन करो, एच स्टैंड फॉर व्हाट? एच हाइड्रोजन, एल आई लिथियम, एन ए सोडियम, हाँ के एल आई सी लिथियम। हाँ ओके ओके एन ए सोडियम, के पोटेशियम, आर बी रुबीडियम, से सी एस सीजियम, एंड फरियाद इज एफ आर फ्रांशियम। ओके। सेकंड ग्रुप का ट्रिक बताओ क्या था। बेटी मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। हाँ, बेटी या बेटा, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राज। अब डिफाइन राइट। करो बी फॉर व्हाट। बी ई फॉर बेरिलियम, एम जी वेरी गुड। मैग्नीशियम, सी ए कैल्शियम, एस आर स्ट्रोंथियम, हाँ एंड देन बी ए अगेन बेरियम, बेरियम, एंड आर ए रेडियम। रेडियम। यस ओके, फ्रांसियम और रेडियम इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, राइट। यस मैम। नाउ वी रिवाइज द ग्रुप 15 एलिमेंट्स, ट्राई इट, बट वेरी गुड, तुमने बहुत अच्छे से कैच किया, लाइक इट। ग्रुप 15 का बताओ। बाल, मैम बाल गंगाधर तिलक, गुड। बी फॉर बरोन, बी एल फॉर अल्मोनियम, गैलियम इंडियम, टैलियम। गैलियम, मैं तुम्हें
भी बता दूंगी हाउ कैन यू रिमेम्बर द एटॉमिक नंबर. ओके, मैम मैं एटॉमिक नंबर रटने की जरूरत नहीं है, सब. हाँ बोलो. मैम आपकी आवाज थोड़ी बहुत एक्चुअली तो बहुत बारिश हो रही है, इसके वजह थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा होगा. यहाँ बारिश हो रही है शाम से. तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं तुम्हें एटॉमिक नंबर याद करने का भी ट्रिक बता दूंगी. इसके लिए घबराना, मैं तो हर चीज रटा नहीं जाते हैं, ट्रिक से पढ़ते हैं. ठीक है, स्टडीज को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, बर्डन नहीं. ठीक है, अब तो मजा आ रही है ना. ग्रुप 16 का ट्रिक बताओ. मैम कौन सी गर्ल सबसे प्यारी? साबिन वेरी गुड. कौन सी गर्ल सबसे प्यारी? तो कौन का सी क्या होगा? सिलिकन हेलियम देन हाँ, 10 बोलो, लेट बोलो, इतना सोचने, इतना घबराओ नहीं. अभी तुम बस सीख रही हो ना, यू विल अंडरस्टैंड. ग्रुप 16 का ट्रिक बताओ. कौन सी गर्ल सबसे प्यारी है? सबसे प्यारी सिक्स, हम सॉरी 17 का बताओ. हम सॉरी 17 का बताओ. 17 का इज नाना नाना. पाटेकर, ऐश्वर्या बिके द बिग गए, सेल हो गए. ठीक है, एन फॉर नाइट्रोजन, पी फॉर फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ. राइट, ग्रुप 18 का बताना. मैम उससे टिपो नहीं, आई एम सॉरी, जो आई एम सॉरी, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ था. जो ब्रोन है ना, ग्रुप 13 है. कार्बन जो है, ग्रुप 14 है. नाइट्रोजन ग्रुप 15 है. ऑक्सीजन ग्रुप 16 है. तो उससे टेप, टेपो मतलब तो छापना, देख के नकल करना. ठीक है, टेपो में से वो होता है. और ग्रुप 17 तुम्हारा फ्लोरीन, जो तुम्हें याद करने की जरूरत है नहीं. फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये तो तुम्हें याद होगा ना. मैम ठीक है, ग्रुप 18 बता दो. हेना ने, हिना ने अर्जुन आर्ट करण की जेरोक्स. हेना ने की, हेना ने की अर्जुन करण की जेरोक्स. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो अब तुम्हें पता है ना, इधर जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं. तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, पता है ना. जी मैम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहते हैं इसे? जी मैम क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है. मैंने पूछा कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहते हैं. मैम लास्ट क्योंकि आपने इसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस सबशेल में जाता है. ठीक है, इधर जो तुम्हारा एलिमेंट है ब्रोन से, ग्रुप 13 to 18, इसे पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं. क्यों पी ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं? क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबशेल में जाता है. कोई दिक्कत है? नहीं अब जो बीच में जो दिख रहा है ब्लू कलर का, जी मैम ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है. क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जा रहा है? डी ऑर्बिटल्स में जा रहा है. राइट, अभी तुम्हें डी का एक ही ट्रिक सिखाऊंगी मैं. एस सी दिख रहा है, स्कैंडियम, टी आई टाइटेनियम, वी ए वैंडियम, सी आर क्रोमियम, एम एन मैग्नीज, एफ ई आयरन, सी ओ कोबाल्ट, एन आई निकल, सी ओ कॉपर, जेड एन जिंक. ये सब नाम दिख रहा है तुम्हें? जी मैम अब मैं ट्रिक सिखाऊं, मैम ट्रिक सिखाऊं मैं. जी मैम साइंस टीचर वेरी क्लेवर, तुम लिख लो, पहले लिखवा रही हो. साइंस टीचर साइंस टीचर वेरी क्लेवर, एक लेवल मांगे फेयर कॉपी, मांगे मिस मांगना, मांगे फेयर फेयर कॉपी कॉपी, निकले कॉपर जिंक. क्लिक कॉपर से एक बार मैं इसे रिपीट करना. साइंस टीचर वेरी क्लेवर, मांगे फेयर कॉपी, निकले जिंक. साइंस का एस सी आर है ना, स्पॉन्डलाइन कर लो एस सी को. दैट स्टैंड फॉर स्कैंडियम. टीचर का टी टाइटेनियम, वेरी का वी वैंडियम, क्लेवर का सी क्रोमियम, और मांगे का एम एन मैग्नीज, और आयरन मतलब आयरन, फेयर कॉपी, फेयर का एफ आयरन, कॉपी का सी ओ कोबाल्ट, निकले का एन आई निकल, कॉपर जिंक तो है ही. आ रहा निकले है? अब याद है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है स्टेट. उसके बाद मिलेगा 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 30. मैं तुम्हें एटॉमिक नंबर बता रही हूँ कि स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है. तो उसके बाद वाले का 22 होगा, उसके बाद वाले का 23, उसके बाद वाले का 24, जिंक तक 30 हो जाएगा. दिख रहा है तुम्हें? अगर तुम चाहो तो स्क्रीन पे देख सकती हो. ज्यादा ट्रिक नहीं बताऊंगी, दिमाग के ऊपर से लगेगा. इतना ट्रिक समझ में आया? जी मैम
आया ना? जी मैम। एक मैजिक नंबर लिखो कॉपी में, 2 8 8 18, 2 8 8 18 मैजिक नंबर लिख लेना, ये 18, ओके मैम। 2 8 8 18 लिख लिया तुमने। जी अब देखो ग्रुप वन में कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ग्रुप वन के एलिमेंट्स तुम्हें दिख रहे हैं मैम। क्या क्या है? अब देखो इंसान को पूरा एटॉमिक नंबर नहीं, कम से कम हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो याद होगा ना, क्या होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर? वन उसमें मैजिक नंबर का स्टार्टिंग नंबर 2, इसमें 2 ऐड कर दो, क्या आया? देखो थ्री थ्री लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, फिर एट उसमें सेकंड मैजिक नंबर तुम्हारा क्या है? फिर एट 8 ऐड कर दो 3 में, इट इज 11 है सोडियम। देखो सोडियम का, चेक करो। जी मैम है फिर 11 में नेक्स्ट मैजिक नंबर ऐड कर दो, एट अगेन। तो 19 है, चेक करो 11 + 8 19 जी मैम है है ना। अब 19 में 18 ऐड करो, चेक करो 37। 37 है, देखो रुबीडियम का। जी मैम है फिर एक को मैजिक नंबर में ऐड कर लो 18 फिर से। इसे 18 करूं। अब 37 में 18 ऐड करके देखो कितना आ रहा है, मैजिक नंबर में एक और 32 ऐड कर लो कॉमा देके। इतना तुम्हें, इतना रुबीडियम सीजम का नहीं पूछता है, बट लिख लो मैजिक नंबर 2 8 8 18 18 32 है ना, यही ऐड करके सीजियम देखो सीजियम में 32 में आ रहा है फ्रैंकेनियम का। में क्या? सीजियम का एटॉमिक नंबर तुमने 55 निकाला ना, उसमें 32 ऐड करो, लास्ट मैजिक नंबर में 32 है ना या मैम इट्स 87। आ रहा है, देखो फ्रैंकेनियम का है, देखो बोर्ड पे कोई यस मैम फ्रैंकेनियम इज दिक्कत। 87। नो मैम टू ऐड करना है सिर्फ फर्स्ट वाले में ही, ठीक है? अब सेकंड ग्रुप में देखो 2 ऐड नहीं करना, अब 8 से ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन के बगल में कोई एलिमेंट नहीं है ना, इसलिए हम 2 नहीं जी ऐड कर रहे हैं। अब ब्रिलियम को सबको एटॉमिक नंबर याद होता है ना, 4 है, अब 4 में तुम 8 ऐड करो, मैजिक नंबर 8 12 12 आ रहा है। अब 12 में फिर 8 ऐड करो, सेकंड मैजिक 20 नंबर20 ऐड किया, फिर यस मैम 20 18 ऐड करो, थर्ड मैजिक नंबर 18 है ना, यस मैम 38। आ रहा है। फिर जी मैम आ रहा है फोर्थ मैजिक नंबर 38 में ऐड करो, 38। 38 में 18 इज योर नेक्स्ट मैजिक नंबर ना एडेड, 56 आ रहा है देखो। हाँ यस अब मैम लास्ट मैजिक नंबर 32 है, ऐड कर लो 56 में, यस मैम आ रहा है। ओके तो प्रेडिक्टेबल याद करने का ट्रिक और मैजिक नंबर कैसा लगा, अच्छा था। समझ आया? जी मैम आ गया ना? जी मैम ओके तो फिर हमारा जो डू यू लाइक द क्लास, यस मैम पक्का से मेरे मुंह पे बोल रही हो? कोई नहीं, तुम देख लेना। अब हम नेक्स्ट, क्योंकि हमने रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लिया, हमने पीरियोडिक टेबल याद कर लिया, हमने देख लिया कि क्या ऑक्सीडेशन नंबर होगा फर्स्ट ग्रुप का सेकंड ग्रुप का। अब हम नेक्स्ट क्लास में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सीखेंगे, फिर हम सीखेंगे कैसे हम रिडॉक्स रिएक्शन को